कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से आज बात कर रहे हैं हमारे साथ, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं, आजकल एक सेमेस्टर पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तो जी प्रोफेसर साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है सबरंग रेडियो में। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो ब्रेक हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाती है कई बार, तो जी ब्रेक जी तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था भी हम बात करेंगे मंडल कमीशन, क्योंकि आप सोशल फील्ड के हैं तो काफी अच्छी तरह से समझते हैं इन सब चीजों को। तो मंडल कमीशन क्या था, क्योंकि बड़ा उसके बारे में सुनने को मिलता रहा पीछे मंडल कमीशन, आज से अभी तो मेरे 20 साल पुरानी बात हो गई जी। 1980 में असल बात मंडल कमीशन बनना आया था जी जी, और इसकी रिपोर्ट पड़ी रही और 1992 में ये रिपोर्ट असल बात लागू हुई। मंडल कमीशन असल बात भारतीय संविधान की धारा 340 के तहत उन जातियों को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जिनको ये लगता था कि वो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 330 और 32 के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन ऐसी बहुत सी जातियां थी जो कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी व्यवस्था की धारा 340 के तहत कि एक ऐसा कमीशन बनेगा जो चिन्हित करेगा ऐसी जातियों को। तो 1965 में पहले काका कालेलकर बना, वो उसने रिपोर्ट दी, वो सहमत नहीं हुए लोग। फिर 1980 में कांग्रेस ने जिसे कहना चाहिए मंडल कमीशन को कहा, बीपी मंडल उसके अध्यक्ष थे, उसको कहा कि आप जरा जिसे कहना चाहिए एक ऐसा बनाइए। तो उसके तहत भारतवर्ष में 3743 जातियों को चिन्हित किया गया, और उन्हें चिन्हित किया गया कि वह आर्थिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। उनकी शैक्षणिक शक्ति, उनके लोन लेने की शक्ति, उनके रिहाइश की शक्ति, ये सब देखने के बाद पता गया कि भारत में 3743 जातियां हैं वो जिसे कहना चाहिए एक पिछड़ी हुई है। उनके अंदर में रोजी रोटी की, आमदनी की और शैक्षणिक बहुत बुरी हालत है, बदतर हालत है। तो इसके लिए कहा गया कि भाई इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, और मंडल कमीशन ने कहा कि इन जातियों की कुल जमात जो होगी परसेंटेज पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या की 52% होगी। 52% है तो इसको आरक्षण दिया जाना चाहिए 52%। लेकिन जिसे कहना चाहिए ये 1980 में रिपोर्ट आई और ठंडे बस्ते में पड़ी रही, लेकिन 1991 में जब प्रधानमंत्री अपने बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि हम मंडल, हाँ वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, तो उन्होंने कहा कि हम ये लागू करेंगे। जब लागू करेंगे तो उन्होंने कहा तो लोगों को ये लगा कि अरे ये तो आरक्षण पिछड़े लोगों को मिल जाएगा तो सब नौकरियां हमारी चली जाएंगी, और इसलिए वो आंदोलन एक हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ। लेकिन लोग फिर इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट के तहत सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जिसे कहना चाहिए 9 मेंबर्स बेंच ने ये निर्णय दिया कि नहीं, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हम 50% से ज्यादा भारतवर्ष में आरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय भारतवर्ष में 22% 22.5% 15% शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण है। तो 50% से ज्यादा ना होने के लिए पिछले वर्ष वर्गों की जो जनसंख्या 52% थी उनको 27% रिजर्वेशन दिया गया, यानी कि इस समय 49% रिजर्वेशन है कुल मिलाकर के भारतवर्ष में। लेकिन जो मंडल कमीशन के साथ आरक्षण दिया गया उसमें केवल नौकरियों में आरक्षण दिया गया पिछड़े वर्ग को, और उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दिया गया, जिन जातियों की आय इनकम जिसे कहना चाहिए, जिन परिवारों की इनकम 2 लाख से, उस समय जिस समय 92 में हुआ था, 2 लाख से ज्यादा होगी उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, और वो भी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। उनके लिए जिसे कहना चाहिए शिक्षा में उस समय आरक्षण नहीं किया गया, और न ही जिसे कहना चाहिए राजनीति में आरक्षण किया गया। तो मंडल कमीशन ने केवल और केवल 3743 जातियों को चिन्हित कर उनको 27% का रिजर्वेशन केवल नौकरियों में दिया था। लेकिन 2006 में जिसे कहना चाहिए फिर एक बात उठी, तो पिछड़े वर्ग को अब शैक्षणिक आधार पर भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी
आरक्षण मिल गई है। तो ये कुल मिलाकर के मतलब पिछड़ी जातियों को शिक्षा और नौकरियों में जो आरक्षण मिला है वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे मिला है। प्रोफेसर साहब, आपने काफी डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, तो बड़ा अच्छा ये पता लग, क्योंकि जब भी कभी रिजर्वेशन की बात होती है तो सवाल यही उठता भी, रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट लोगों के, शेड्यूल ट्राइब का भी कम नाम आता है, तो पर जैसे आप बता रहे हैं तो ये तो सब कम्युनिटीज, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए भी काफी ज्यादा प्रावधान रखा गया है। और बैकवर्ड में बाकायदा माइनॉरिटीज को भी चुना गया है, यानी कि जो उसमें अकलियत समाज के लोग होंगे, चाहे वो सिख समाज के लोग हो, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, मतलब मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के, जो भी बैकवर्ड एरिया में आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी मुस्लिम जातियां भी आई है, जैसे जुला है, जुड़ा है, जोजा है, इन सबको भी उसमें मिला है रिजर्वेशन। जी, तो ये इनको एज ए बैकवर्ड माइनॉरिटीज के अंदर, जैसे हमारे जो क्लासेस के रूप में इनको गाना गया है। जी ठीक है, तो जैसे ये हमारी जो सिख कम्युनिटी है तो ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है, इनको भी रिजर्वेशन मिलता है? नहीं, सिख कम्युनिटी को माइनॉरिटीज में, मतलब सिख जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जी जी, बढ़ाई हुए जैसे, तो उन सबके लिए है उसमें। लेकिन बाकी सिख जो मतलब जिसे कहना चाहिए रवदसिया सिख है, या जिसे कहना चाहिए और सिख है, उनको तो शेड्यूल कास्ट में स्टेटस उनका है ही है, लेकिन बैकवर्ड क्लास में रंगड़िया जैसे सिख है तो इन सबको रिजर्वेशन उसमें है। आप देख सकते हैं पंजाब की बैकवर्ड क्लास की लिस्ट अलग से होगी। ठीक है जी, कपिल जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, प्रोफेसर साहब मेरा सवाल है, अपने रामविलास पासवान जी, जगजीव राम जी के डिसेंडेंट, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इनके डिसेंडेंट, या कोई अपने यूपी के जो डीजीपी हैं, जो मतलब आर्थिक तौर पे जो है बिल्कुल समृद्ध हैं, क्या उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन जरूरी है? क्यों, क्या आपको ये नहीं लगता कि वो गरीबों की रिजर्वेशन का जो उनका हक है वो ग्रैब कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए असल बात आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, सबसे बड़ी बात है उन्मूलन गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। ठीक है जी, आरक्षण नुमाइंदगी का एक प्रोग्राम है, जिन जातियों को हजारों हजारों वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, और राजनीति के क्षेत्र में हजारों हजारों वर्ष से वंचित किया गया, ऐसी जातियों को नुमाइंदगी देने का प्रोग्राम था, उसमें गरीबी, उनकी गरीबी हट जाएगी, ये प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन। और इसलिए जगजीवन राम एक चमार जाति के होने के नाते उनको नुमाइंदगी के लिए रिजर्वेशन दिया गया। आज पासवान जाति के लोग कितने हैं जो कि आपको मिलेंगे ब्यूरोक्रेसी में, या जुडिशरी में, या पॉलिटी में? अगर एक पासवान आरक्षण से ना आए होते तो कोई नहीं जीत जाता। तो इसलिए गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन है ऐसी जातियों को जिनको नेस्तनाबूद किया हजारों हजारों वर्षों से, जिनको हटा करके रखा गया, जिनको समाज के अंदर चलने और फिरने का भी जिसे कहना चाहिए मादा नहीं था, उनके लिए रिजर्वेशन है। जी कपिल जी। हाँ जी प्रोफेसर साहब, मेरी अगला सवाल है थोड़ा रिजर्वेशन से हटके, अगर पॉलिटिक्स पे आते हैं हम थोड़ा, क्योंकि समय की थोड़ी लिमिटेशन हमारे लिए। बिल्कुल जी, उत्तर प्रदेश की आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जो पहला इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में वो हुआ 1951 में जी, और करीब 60 और 61 साल में उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री तब्दील हुए वो 40 बार हुए, कई मुख्यमंत्री जो है दो दो तीन तीन बार भी बने, परंतु टोटल जो है ना 40 चेंजेस आई मुख्यमंत्री का जो है पद इसकी, और उसमें केवल तीन ही मुख्यमंत्री ऐसे आए जिन्होंने 5 साल लगातार या इससे ज्यादा अपना कार्यभार पूरा किया, जिनमें एक मायावती जी भी हैं और एक गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, और तीसरे का नाम मेरे जहन में आ नहीं रहा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप आओगे, वरना मैं पढ़ के आता। नहीं नहीं, वो कहना चाहिए बहुगुणा, नहीं बहुगुणा नहीं थे ये, मैं मुझे पता नहीं, बहुगुणा नहीं थे, नहीं कोई नंद थे जी उनका नाम था कुछ ऐसा, अच्छा बहुगुणा नहीं थे जी। जी आगे, अच्छा मेरा सवाल ये है कि एक तो इतनी हलचल रहती है कि स्टेबल नहीं है वहाँ की पॉलिटिक्स, दूसरे मेरा अगला सवाल है कि जैसे बहुजन जन समाज पार्टी की ये मायावती जी और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी, वो भी बड़े एक दबंग नेता हैं जो माने जाते हैं, इन दोनों में कांटे की टक्कर रहती है हमेशा, कई बार ये अपने जो है ना पर्सनल एनिमिटी ले जाते हैं, जैसे मायावती जी ने करोड़ों रुपया खर्च के ये हाथी और अपने बुत बनवाए हैं, और इंडिया में ये पहली लीडर हैं जिनके जिंदा जी उनके बुत बने हैं जी जी। अगर समाजवादी पार्टी पावर में आ जाती है, और ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के वर्कर इन बुतों को डैमेज करेंगे, और
जो ये शेड्यूल्ड कास्ट जो है ग्रुप वो यूपी में आग लगा देगा, क्या ये ठीक होगा जो बुत बनाए गए और ये हजार जो सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा गया बुतों पे, कई लाख परिवार जो है वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए जा सकते थे इस पैसे से। आपका प्रश्न बड़ा जिसे कहना चाहिए, बहुत बार मैं हजारों बार ये आंसर दे चुका हूँ, लेकिन आपको मैं आपकी उसके लिए बता दूं। पहली बात तो ये है कि जो यूपी का बजट होता है वो होता है करीब करीब 1,70,000 करोड़ जिसे कहना चाहिए बजट है उसका जी जी। और कुल टोटल जो खर्चा हुआ है मूर्तियों पर बुतों पर वो करीब करीब लोग मतलब जो बता रहे हैं अनायास लगा करके, वो एक जिसे कहना चाहिए डिपार्टमेंट है जिसको हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, उसकी एक मद होती है और उसकी मद से खर्चा होता है पैसा। ये पैसा जिसे कहना चाहिए बाकायदा विधानसभा में बजट इसका पारित किया जाता है और गवर्नर इसको स्वीकृति देता है। मेरा मानना यह है कि अगर दलितों की अस्मिता के आधार पर कुछ 10,000-5,000 करोड़ खर्चा हो गए तो उसका परसेंट अगर 1,70,000 करोड़ से निकालेंगे तो वो 1% भी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि हर 4 साल में भारतीय गवर्नमेंट 2,000 करोड़ रुपया कभी 1,500 करोड़ रुपया हर 4 साल में कुंभ पर खर्चा करती है। कुंभ मेला जानते होंगे मेरे ख्याल से। जी 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 हर चार साल में भारत की सरकार करीब जो लास्ट कुंभ हुआ था वो हरिद्वार में हुआ था उस पर 2,000 करोड़ खर्चा किए भारत। नासिक जो कुंभ हुआ था उस पर 1,435 करोड़ खर्चा किए थे और ये पता नहीं कब से चला जा रहा। तो हिंदू समाज की अस्मिता पर भारत सरकार हजारों करोड़ खर्चा करती है तब लोग गरीबी की बात क्यों नहीं करते। अभी हजारों 2,500 वर्ष से जो दलित सताए गए हैं उनके लिए अगर कुछ 1,000 करोड़ खर्चा हो गए तो इसमें कौन सी बात पड़ी हो गई। तो जो जो हजारों हजारों करोड़ आदमी दबा हुआ था कुचला हुआ था वो मूर्ति देखकर क्या स्फूर्तिप्रद हो गया है, उसके अंदर जान आ गई कि हमारे लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, जिनको कभी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जिनको चौराहे पे नहीं आने दिया गया, वो लोग आज चौराहे पर खड़े हो रहे हैं। इससे एक नई चेतना आ रही है, इससे एक नई संस्कृति का विकास हो रहा है और वो लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जो कल तक सताए गए थे। इसलिए 2000 करोड़ खर्चा करके मायावती ने बहुत बड़े तबके को एक सबल और एक जिसे कह रहे चेतना दी है, ताकत दी है, उसकी सोच में जिसे कहना चाहिए एक नया पन भरा है जो कि आज तक की सरकारें नहीं कर पाई और जो स्कूल भी नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल की सरकारों में बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ाया जाता, फूले और साहू को नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ केवल गांधी और टैगोर और नेहरू को पढ़ाया जाता है। इसलिए भारतवर्ष केवल नेहरू टैगोर और गांधी का नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर और फूले और साहू का भी है, ये बात पता चलती है मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद। तो मुझे लगता है जो पैसा खर्चा हुआ है उससे एक नई चेतना का एक नई संस्कृति का विकास हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए, तभी बराबरी हो पाएगी भारतवर्ष में जो गैर बराबरी की मतलब जिसे कहना चाहिए सरकारें वहां रही हैं। जी डॉक्टर प्रोफेसर साहब ये बड़ा अच्छा आपने दिया। मुझे पिछले दिनों मेरी करीमपुरी साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनको यही सवाल पूछा भी आप इतना पैसा जो है बुतों पे लगाते रहते हो तो आपको क्योंकि हम गरीब समाज होता है लगा। जी तो उनका एक पूछ रहा हूँ। नहीं राजेश जी मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल कितने बजट का कितना परसेंट खर्चा हो रहा है ये देखना चाहिए। 1,000 करोड़ आप कह देंगे तो ज्यादा लगेगा, लेकिन 1,70,000 करोड़ का 1% खर्चा हो रहा है। 1% अगर किसी के समाज के उत्थान के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो जा रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ जी। और उनका ये कहना था कि 1100 करोड़ जो है ना जी वो हर साल जो बुत ऑलरेडी हैं कांग्रेस के मोस्टली उनको उनमें हम कांग्रेस के बुत ही कहते हैं क्योंकि कांग्रेस के नुमाइंदे थे। तो बिल्कुल कहते हैं 1100 करोड़ जो है वो अकेली इनकी मेंटेनेंस का खर्चा होता है, तो क्योंकि हमें पता नहीं होता भी इतने बुतों के ऊपर सिर्फ मेंटेनेंस पे इतना पैसा खर्च किया जाता है, बनाने में तो जो होता है वो तो होता ही। डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं आई थिंक भी ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने क्योंकि पूछा आपको इतने
हाई लेवल इंटेलेक्चुअल हो, तो इन्होंने सवाल भी वैसे ही पूछा आपको। आप एक मैं चाहूंगा भी, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है हमारे पास, हमारे दूसरे गेस्ट भी आए हैं, तो मैं चाहूंगा अंग्राल साहब सेकंड पार्ट का जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब ने, जो मुलायम सिंह का मैं दस जो कोई उदा की वारदात होगी, क्योंकि मिसक्रिएट्स नहीं नहीं वो देखिए ये जो है जो कुछ भी जो भी बुत बने हुए वो सरकार के हैं और सरकारी जिसे कहना चाहिए वहां पर बाकायदा सिक्योरिटी, कोई परिंदा भी उसपे पर नहीं मार सकता। तो अगर मान लीजिए कोई लोग जिसे कहना चाहिए इसको तोड़ेंगे भी तो वो जिसे कहना चाहिए स्टेट के कानून के तहत उसको डील किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले भी जिसे कहना चाहिए अंबेडकर पार्क बना हुआ था, इसके पहले भी बाबा साहब की मूर्तियां हैं वहां पर, मुझे नहीं लगता है कि इसमें संघर्ष की कोई स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। जी छोटी सी ब्रेक है जी हमारी एक, तो वो ब्रेक लेके तो आप लाइन पे बने रहिए, तो फिर हम आपसे दोबारा बात करेंगे, तो हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।